ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ बड़े बड़े सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, वहीं तरह तरह की चर्चाओं और अटकलों से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ नेताओं ने पहले कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है, अब चर्चा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से खफा हैं। यह भी अटकलें चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी अपने साथ नहीं रखना चाहती है। विरोधियों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इन दिनों नाराज हैं, इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले समय में राज्य का मुख्यमंत्री बदलने की संभावना है। यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से सीएम बदलने जाने की खबर फैलाने से एकनाथ शिंदे काफी आहत हैं। शिंदे की नाराजगी की एक वजह यह भी थी कि इन खबरों पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी जा रही थी। क्या शिंदे से खुश नहीं है बीजेपी? चर्चा यह भी छिड़ी कि इसी वजह से मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से सातारा के दौरे पर हैं। विपक्ष दावा कर रहा है कि वह परेशान थे इसलिए गांव गए थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की छुट्टी को लेकर भी पार्टी नेताओं में असमंजस की स्थिति थी। इस बीच ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे से खासे खुश नहीं है। साथ ही यह भी चर्चा है कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला खिलाफ आने पर शिंदे को दिल्ली से इस्तीफा तैयार रखने को कहा गया है। बीजेपी की नाराजगी की वजह क्या है? बीजेपी का एकनाथ शिंदे से मोह भंग होने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। इसमें से एक यह है कि मराठा नेता के रूप में शिंदे लोगों पर अपेक्षा के मुताबिक अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। ऐसा भी शुरुआत है कि बागावत के बाद उद्धव ठाकरे को राज्य में सहानुभूति मिल रही है। इसके अलावा शिंदे के साथ अगला चुनाव लड़ने पर बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होगा। ग्राम पंचायत और नगर परिषद जैसे चुनावों में शिंदे कुछ खास छाप नहीं छोड़ सके। एकनाथ शिंदे के सत्ता में आने के बाद जनहितकारी फैसले नहीं लेने की भी चर्चा है। वेदांता फॉक्सकॉन और खारघर आपदा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के दौरान हादसे में 14 की मौत के बाद एकनाथ शिंदे अकेले नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।